एक शौहर जो अपनी पत्नी को मारता पीटता था, नशा करता था, शक करता था। एक दिन गुस्से में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है। उसने सोचा होगा कि उसकी पत्नी उसके पास रोती गिड़गिड़ाती आएगी और उसके जुल्म जो वो सालों से सहती आ रही थी आगे भी सहती जाएगी। लेकिन आगे जो हुआ वो तो शौहर साहब सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पति ने नशे की हालत में 3 तलाक दिया तो पत्नी ने हिंदू धर्म अपनाया और अपने प्रेमी प्रेम के साथ शादी कर ली। जी हाँ, ये मामला है यूपी के बरेली का, जहाँ शनिवार को 3 तलाक पीड़िता ने मंदिर में शादी रचाकर सनातन धर्म अपना लिया। रुबीना खान से पुष्पा बनी महिला का कहना है कि उसका पति आए दिन नशे की हालत में उसके साथ में मारपीट करता था और नशे की हालत में ही उसने 3 तलाक देकर अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। जिसके बाद रुबीना या फिर यूं कहें कि पुष्पा ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उसने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद में हिंदू धर्म अपनाकर उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली। पुष्पा का यह भी कहना है कि उसका पहला पति लगातार उसे जान से मारने की धमकी देता है। आपको बता दें कि रुबीना का पति शुएब आए दिन अपनी पत्नी को परेशान करता था और इसी वजह से पुष्पा के दिल में भी टीस उठती थी। उसके जीवन में भी कोई ऐसा साथी हो जो उसके सुख दुख को समझे और उसे बेपना मोहब्बत करे। और रुबीना और पुष्पा की तलाश खत्म हुई प्रेमपाल पर आकर। 5 साल पहले रुबीना से मिले प्रेमपाल से वो अपना हर दर्द साझा कर लिया करती थी और इसी दरमियान दोनों को ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। रुबीना से पुष्पा बनी महिला रामपुर विलासपुर गेट की रहने वाली है। उसने बताया कि 9 साल पहले हल्द्वानी के रहने वाले शुएब से लव मैरिज हुई थी। उसके 3 बेटे हैं। शादी के बाद पति आए दिन मारपीट करता था, शराब पीकर गाली गलौज करता था, ये बातें परेशान करती थी। कई बार समझाने के बाद भी वो अपनी आदतें सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच 1 हफ्ते पहले उसके शक के चलते उसने तलाक दे दिया, जिसके बाद रुबीना और प्रेमपाल ने बरेली के मणिनाथ स्थित एक मंदिर में जाकर घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। रुबीना ने धन परिवर्तन भी कर लिया। अब रुबीना की पहचान पुष्पा है। दोनों की शादी को प्रेमपाल के परिवार ने स्वीकार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी के लिए यूपी तक की टीम भी वहां पहुंची थी, जहां पुष्पा और प्रेम ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था, जहां पुष्पा ने अपनी नई जिंदगी से लेकर पहले पति की ज्यादतियों तक सब कुछ विस्तार से बताया। रुबीना खान, आप क्या नाम रखा है आपने? पुष्पा। आप बताइए पुष्पा देवी जी, आपने आज शादी की है, कैसे शादी की और क्या वजह थी आपने पहले पति को क्यों छोड़ा? पूरी बात बताइए। वो हमेशा मुझ पे शक करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे हर रोज़ और अपनी मर्जी चलाते थे। क्या किया पति ने आपके? आपको तलाक दिया, कैसे दिया, पूरी बात बताइए। उनको डाउट था मुझ पे कि मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन पक्का श्योर नहीं थे वो। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि हाँ मैं किसी से बात करती हूँ, लेकिन बताया नहीं था कि मैं प्रेम से बात करती हूँ। तो क्या हुआ? फिर हमारे बीच झगड़ा हुआ। फिर पति ने क्या किया? फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। किस तरीके से तलाक दिया? बोल के दिया? 3 बार तलाक दिया? क्या दिया, कैसे दिया? जी हाँ, बोल के दिया 3 बार। फिर आपने अब क्या किया? फिर प्रेमपाल से कब से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? कब से आप एक दूसरे से बात करते थे? 4-5 साल हो गए। तो अब आपने हिंदू धर्म अपनाया है, किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं है आप पे? नहीं। आप खुश हैं प्रेम के संग में? जी। माँ बाप आपके क्या कह रहे हैं? माँ बाप तो नहीं आपको धमका रहे हैं या जो आपका पुराना पति है वो आपको जान का खतरा तो नहीं है? उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं भी हो जान से मार दूंगा, मेरे हस्बैंड जो हैं। आपको अपनी जान का खतरा है? जी। क्या चाहते हैं? मुझे पता है कि वो आएंगे और वो जरूर तमाशा करेंगे वहाँ पर। क्या चाहते हो आप? प्रोटेक्शन। वही रुबीना और पुष्पा के नए पति प्रेमपाल का कहना है कि आज रुबीना के साथ मेरी शादी हुई है, इनके पति से मेरी जान पहचान थी, मैं उनके घर भी जाता था, शुएब रुबीना को बहुत परेशान करता था। जब रुबीना ने आप बीती सुनाई तो हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इनके हस्बैंड जो थे उनसे मेरी जान पहचान थी और मैं उनके घर पे कभी आना जाना होता था मेरा, और जो है ये इनसे बाद में मेरा मतलब जो है जो भी है बात करना स्टार्ट हो गया था, और बात करते करते वो लोग इतना परेशान करते थे इन्हें। ठीक है,
इन्हें मारते थे वो और नशा पत्ता करते थे अपने वो, और ये परेशान थे बहुत। इन्होंने बताया होगा, इन्होंने इनसे जब बात होती थी तो सारा कुछ बताते थे वो, और इसलिए मतलब हम दोनों ने ये फैसला लिया कि हम शादी करें। जी, क्या इनके पति ने क्या तलाक उलाक भी दिया था इनको? हाँ, ये वही अपना जो तलाक उलाक के बारे में बोलते हैं ना, तलाक तलाक वही, वो तो कई एक बार कह चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों रुक गया। बस अब तो शादी होगी, मैं अब बस अपनी लाइफ में इन्हीं रखना चाहता हूँ। क्या वो धमकी उनकी दे रहे हैं जान से मारने की, कैसे क्या है पूरी बात बताएं? हाँ, उनका फ़ोन आया था इनके पास, तो वो कह रहे थे कि कहीं भी होगी तो तुझे ढूंढ के मार दूंगा। शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। पंडित जी ने सारे मंत्रों के साथ इस विवाह को संपन्न कराया। उनकी शादी कराने वाले पंडित ने बताया कि इन दोनों ने जब आकर अपनी व्यथा सुनाई तो उन्होंने इन दोनों की शादी करवाने का फैसला किया। मेरे पास ये दोनों लोग आए, लड़के का नाम प्रेमपाल और लड़की का नाम रूबीना खान, तो इन्होंने शपथ पत्र मुझे दिया और लड़की ने कहा कि अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि मैं पूर्व से विवाहित हूँ, मेरा पति बहुत अत्याचार करता है मेरे साथ, वो मारता पीटता है, शराब पीता है और अनेक प्रकार से उससे ये पीड़ित है, और यहाँ तक कि उसने 3 तलाक इसे दे दिया और घर से धक्के मार के निकाल दिया। तो ये अपने पति के ही पूर्व का जो कभी कभार आने जाने वाला मित्र था प्रेमपाल गंगवा नाम का बंदा व्यक्ति, उसके पास जाकर के इसने अपनी व्यथा सुनाई। तो इन दोनों लोगों ने कुल मिलकर के, इस लड़की ने जब अपने जीवन लीला समाप्त करने की बात कही तो वो लड़के ने समझाते हुए उसे, दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हुए मेरे पास आ गए, वो विवाह कराने का अनुरोध किया। लड़की ने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए और इस्लामिक मजहब से बहुत सी चीज़ों से प्रताड़ित होने के कारण उसने कहा कि मुझे हिंदू धर्म भी प्रिय है और हिंदू धर्म में आस्था भी रखती हूँ, मुझे हिंदू धर्म में दीक्षित करके और प्रेमपाल जी से मेरा विवाह करा दें तो मेरे जीवन बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। उसी प्रकार से फिर उसके अनुरोध पर हमने ये सारे कार्यक्रम कराए, विवाह कराया, संपन्न कराया। बहरहाल बरेली की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। देखना होगा कि जिस पति ने रूबीना को तलाक दिया और ये दोनों ही उससे जान का खतरा बता रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है या फिर नहीं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।